प्रदीप पांडे चिंटू की जो फिल्म है, जिस फिल्म का नाम रखा गया था चिंटू की दिलनिया, फिल्म बिहार में जोर शोर से चल रही है, साथ में उत्तर प्रदेश यानी यूपी में भी फिल्म चल रही है और नेपाल में भी कुछ थिएटर में फिल्म को रिलीज़ किया गया। आप लोग हाउसफुल का बोर्ड देख सकते हैं, हाउसफुल का बोर्ड लग गया और फिल्म जो है हाउसफुल चल रही है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और भोजपुरी का जो मार्केट है वो बहुत ही तेज़ी से जो है अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जो है फिल्में बिल्कुल ना के बराबर चलने लगी थी, लेकिन अब जो है भोजपुरी फिल्म का मार्केट भी जो है जिस प्रकार से था उस प्रकार से होने लगा है और फिल्में चलने लगी है। तो आज आप लोग को इस फिल्म के अर्निंग के बारे में बताएंगे, इस फिल्म की कमाई के बारे में बताएंगे कि फिल्म ने 5 दिन में कितनी कमाई करी, क्योंकि फिल्म के रिलीज हुए 5 दिन हो चुका है और फिल्म के ने अभी तक कितनी कमाई करी। वैसे इस फिल्म की जो बजट थी लगभग अप्रोक्स बताया जाता है कि 1 करोड़ रुपए के आसपास जो है फिल्म को बनाने में खर्चा आया है, 1 करोड़ रुपए जो है लगभग इस फिल्म में खर्चा हुआ, क्योंकि फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू हैं, शिल्पी राघवानी है, यामिनी सिंह है, तो फिल्म जो है काफ़ी हाई बजट आप लोग कह सकते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी फिल्म 1 करोड़ तक जाती तो वो बहुत ही भारी बजट हो जाती है। बड़े बड़े स्टार कास्ट की जो फिल्म है वो 1.5 से 2 करोड़ में बनती है। प्रदीप पांडे चिंटू की जो फिल्म है लगभग 1 करोड़ में बनी है। तो फिल्म जो है थोड़ी हॉरर वाला स्टोरी है इस फिल्म में और बहुत ज़्यादा लोग इस फिल्म की स्टोरी को पसंद कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है कॉमेडी भी इस फिल्म में भरा हुआ है, एक्शन भी भरा हुआ है। तो प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म है तो कॉमेडी भी है, एक्शन भी है और साथ में गाने काफ़ी अच्छे अच्छे हैं इस फिल्म में। तो इस फिल्म की जो कमाई है, लागत जो है लगभग 1 करोड़ के आसपास आप लोग कह सकते हैं, अप्रोक्स 1 करोड़ फिल्म में लगी और फिल्म की जो कमाई है वो लगभग 7 से 10 लाख के आसपास फिल्म की कमाई हुई थी। अभी जो फिल्म की कमाई है यानी 5 दिन में जो फिल्म की कमाई है लगभग 13 लाख के आसपास जो है, 13 से 14 लाख जो बताया जा रहा है कि फिल्म ने पाँच दिन में फिल्म ने 13 से 14 लाख रुपए कमाई कर ली और अभी फिल्म चल ही रही। फिल्म लगभग 1 करोड़ की लागत में बनी है फिल्म और फिल्म का 2रा से 3रा सप्ताह जाते जाते जो है फिल्म जितना में बनी है उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो कमाई कर लेगी, क्योंकि अभी फिल्म जो है धीरे धीरे मार्केट पकड़ रही है और धीरे धीरे जो है फिल्म चलना शुरू हुई है। अभी कुछ दिन बाद जब 1 सप्ताह पूरा हो जाएगा तब फाइनली पता चलेगा कि फिल्म ने कितनी कमाई करी है, फिल्म की एक्चुअल कमाई कितनी है, और जब पोस्टर आएगा 1 सप्ताह के बाद कि फिल्म को कितना थिएटर मिला है, कितना सिनेमाघर मिला है, तब पता चलेगा एक्चुअल में कि फिल्म की 1 सप्ताह में कितनी कमाई हुई है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट बताया जा रहा है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म की जो है लगभग 13 लाख 13 से 14 लाख, 12 से आप लोग 14 लाख तक आप लोग कह सकते हैं कि इस फिल्म ने कमाई करी है, क्योंकि 1 सप्ताह का पोस्टर आएगा तब फाइनल पता चलेगा कि फिल्म ने कितनी कमाई करी है।